हाय गाइस, तो हम लोग हैं आज उदयपुर में और हमने सोचा कि जब उदयपुर में हम लोग हैं और इतना अच्छा लेक का व्यू है तो व्हाई नॉट मेक ए वीडियो जिसमें हम लोग सारे बेस्ट व्यू वाले रेस्टोरेंट्स, पब्स या जो भी बार्स है वो कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन टर्म्स ऑफ व्यू एंड वैल्यू फॉर मनी कौन से प्लेसेस सबसे अच्छे हैं। और व्यू तो यहाँ पे हर जगह पे अच्छा है। इट विल कम डाउन टू क्वालिटी ऑफ फूड, वैल्यू फॉर मनी एंड सर्विस। यस यस, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी हम लोग आए हैं खम्मा गनी रेस्टोरेंट में। ये इसका भी व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे देख के मुझे बहुत ही रॉयल फीलिंग आ रही है, फीलिंग हो रहा है। तो अभी चलिए देखते हैं, खाना भी रॉयल होना चाहिए। बट व्यू तो यार अमेजिंग है और लाइव लाइव किचन भी है इधर। एकदम रॉयल फीलिंग आ रहा है, बैठ के गद्दे पे मजा आ गया। राजा महाराजा जैसे नहीं खाते थे वैसा खाने का फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ पे। खा के फिर सो के व्यू भी एकदम वाव। मतलब राजा महाराजा ऐसे ही खाते होंगे ना, बत्तख कैसे तैर रहे हैं। देख बत्तख डक्स को देखते देखते खाने का मजा कुछ अलग ही है। वाव, इतना अच्छा व्यू वाला रेस्टोरेंट में बहुत पहले कभी गया था। तो आई हैव ऑर्डर्ड मेवाड़ी मांस विच इज सिमिलर टू लाल मांस, ही उन्होंने बोला। राजस्थान आने के बाद आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि मुझे लाल मांस ट्राई करना था। अभी तक मेरा वो सपना ही है। तो आज होपिंग कि इट वुड बी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ मटन। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। एक तो मुँह में पानी आ रहा है, सॉफ्ट है। अमेजिंग, वो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है क्या? स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, मटन से स्मोकी फ्लेवर पहली बार खा रहा हूँ मैं। बहुत सही लग रहा है रोजा, और मटन भी पूरा एकदम सॉफ्ट है। क्रीमी टेक्सचर है, मटन बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही रॉयल टेस्ट आ रहा है। मुझे तुम खा के बताओ। मैं मिक्सी रोटी के साथ ट्राई कर रही हूँ। रोटी काफ़ी स्वीट है, अच्छी है। ओवरऑल रोटी बास्केट इज रियली गुड है। और मटन तो क्या ही बोलूँ, मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज वाव। एंड मटन में सैफरन का टेस्ट आ रहा है, रेड चिली है, टोमेटो पेस्ट है, बट इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी लाल मांस या फिर राजस्थान में जो मटन में हमको मिलेगा। दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट मटन दैट वी हैड टिल नाउ इन राजस्थान। आई एम जस्ट लविंग दिस। वाओ। So guys, overall it was a really good experience and we'll definitely recommend this restaurant. हम लोग तो सोच रहे हैं हमारे parents जब भी आएंगे इधर, हम उनको पक्का यहाँ खाने के लिए हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे food, hospitality, view, everything is super nice and price is expected थोड़ा मतलब higher side में था, जो कि आई थिंक ये सारे लेक व्यू रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट थोड़ा प्राइस थोड़ा हायर साइड पर है, बट फूड सर्विस एंड व्यू के लिए इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। सो गाइस, अभी हम लोग हैं चील्स जिंजर बार, जिंजर कॉफी हाउस, कॉफी हाउस। ना, मैंने भी गलत बोला, झील्स जिंजर कॉफी बार एंड बेकरी, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए। तो यहाँ का व्यू तो आप अभी देख ही सकते हैं, अमेजिंग है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए पिज्जा मंगा लिया है और यहाँ का स्पेशलिटी चाय है।
चाय कॉफी मशरूम एंड हर्ब पिज्जा, सो लेट मी ट्राई दिस। नाइस, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा वुड फायर्ड पिज्जा खाया, ऊपर बन ही रहा है उनका ओवन हमने देख के आया, बहुत ही फ्रेश लग रहा है, मशरूम का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ऑलिव का भी टेस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है, थिन क्रस्ट है। डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आप वुड फायर्ड ये वाला पिज्ज़ा तो ट्राई कर ही सकते हैं, क्या रोल जाओ। यस, बहुत ही हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, नॉट रिच, वो इंडियनाइज जैसे नहीं हो जाता वैसा नहीं है, अच्छा है। तो बताइए तो ब्राउनी कैसा है? बहुत हॉट है। बहुत ज़्यादा गर्म है क्या? कौन से वॉलनट? ऊपर वॉलनट है, बहुत ज़्यादा गर्म था बट बहुत स्वीट नहीं है, सॉफ्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है उस पर भी मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा, तो इट्स ओके। कैसा लग रहा है इस व्यू देख देख के इसको चाय पीने में? बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, ऐसे सरियल फीलिंग, जग मंदिर वहाँ पे दिख रहा है और यही मुझे चाहिए था कि व्यू देख देख के मैं एक चाय का मजा लूँ। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, हम लोगों ने एक पिज्ज़ा, एक ब्राउनी और एक टी पॉट मंगाया था। विल डेफिनेटली रिकमेंड टी एंड पिज्ज़ा हेयर, वुड फायर पिज्ज़ा वॉज रियली नाइस एंड ओवरऑल हमको अप्रॉक्स 800 रुपीज़ लगा। ये जग मंदिर का व्यू देख देख के चाय पीने में अलग ही मज़ा है, सो आइए यहाँ पे, यहाँ का चाय एंजॉय कीजिए और हैव अ नाइस एक्सपीरियंस। सो गाइस, अभी हम लोग डिनर के लिए आए हैं सामियाना रूफटॉप रेस्टोरेंट में। द व्यू इज़ अमेजिंग, ब्रेथ टेकिंग। ये सिटी पैलेस का, सिटी पैलेस इज ग्लोइंग, पूरा गोल्डन दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है व्यू और बहुत ही रोमांटिक है। अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है करके और अच्छा लग रहा है, पूरा काम एंड पीसफुल है एकदम। वो लेक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसके साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग ही आ जाएगा। ऑर्डर किया है वेज पुलाव और लाल मास, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई लाल मास। इसका ग्रेवी बहुत डिफरेंट लग रहा है, मतलब पूरा पतला ग्रेवी है, मैंने अब तक जितना भी लाल मास देखा सबका थिक ग्रेवी है, सो आई एम होपिंग दिस वुड बी डिफरेंट, लेट मी ट्राई दैट फर्स्ट। बहुत रिच दिख रहा है बट ओवरऑल उतना रिच नहीं है, इट्स सटल। Let me try this with the rice. veg palav jaisa hi lag raha hai. Good, definitely good. अब तक जितना लाल मास हमने ट्राई किया राजस्थान में, दिस इज द बेस्ट। मैं लाल मास थोड़ा एज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए था मुझे। लाल मास आई ऑलवेज न्यू कि लाल मास इज मोर रेड चिल्ली बेस्ड करी, इट्स नॉट दैट रिच इन फ्लेवर, इज जस्ट आपका राजस्थान में जैसे उनका कल्चर में मिर्ची इज प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल, तो ये डिस रिप्रेजेंट्स दैट ओनली। तो I will still continue my search for the best lal mas or that life changing lal mas, but this is really one of the best. I will recommend ki aap yahan pe aaye, not if not for lal mas then for the view. सही है ना? सनसेट दिख रहा है।
इसका व्यू तो ऑसम है, यहाँ से बैठ के हमने सनसेट देखा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स इन दिस टाउन। यहाँ से आपको सबसे बहुत ही बढ़िया व्यू आता है सनसेट का। और उसके साथ हमने मंगाया है एक पेस्टो पास्ता, इज रियली गुड। और भी थोड़ा अच्छा हो सकता था बट ओवरऑल इट्स गुड। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं हरिगर रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। हमको बस डिनर में ही टाइम मिल रहा है बिकॉज मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ रहा है ना, तो लंच पे हम लोग आ नहीं पा रहे। ये सारे रेस्टोरेंट्स का व्यू तो एक से बढ़कर एक है। लंच के टाइम पे भी जितना अच्छा व्यू है, वी फील लाइक कि डिनर के टाइम का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओनली थिंग इज दैट कि हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं कैमरा में, वो व्यू अच्छे से आ नहीं रहा है। आई एम होपिंग कि ये रेस्टोरेंट का व्यू उतना ही अच्छा होगा बिकॉज फ्रॉम दैट अदर साइड ऑफ लेक पिचोला जो गांगोर घाट है, तो वहाँ से तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो लेट्स सी। सो गाइस, उन्होंने रेकमेंड किया कि मेवारी मुर्ग यहाँ का अच्छा है, तो वही हमने ऑर्डर कर लिया। अभी आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज लास्ट टाइम हमने मेवारी मटन ट्राई किया था एक दूसरे रेस्टोरेंट में, तो काफ़ी सरप्राइजिंग बहुत अच्छा था। तो मेवारी मुर्ग भी वैसा ही आना चाहिए। सो लेट्स सी। चिकन पूरा स्मोकी फ्लेवर का था जो हम लोगों का एक्सपेक्टेड था ये मेवारी डिश से, एंड इट वाज प्रीटी सॉफ्ट एंड ओवरऑल थोड़ा स्पाइसी है जो कि उन्होंने बोला था ये स्पाइसी रहेगा। एंड नान के साथ तो बहुत अच्छे से जा रहा है इसका। और वो जो पहले मेवारी मटन खाए थे, डिफरेंस क्या लग रहा है? डिफरेंस है, मतलब स्पाइसेस में थोड़ा डिफरेंस है। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट एग्जैक्ट क्या है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सैफ्रन थोड़ा कम लग रहा है मुझे इसमें, इसमें थोड़ा सैफ्रन का ज़्यादा टेस्ट आ रहा था ना। अदरवाइज इट्स रियली गुड, रियली नाइस। इट्स अ वेरी रोमांटिक प्लेस क्योंकि यहाँ पे गंगोर घाट और वहाँ के बाजू में आपका बागोर की हवेली है। व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोमांटिक है, काम भी है, काम एंड पीसफुल। ओवरऑल हमारा 750 अप्रॉक्स बिल हुआ एंड फूड वाज गुड। वी विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट। सर्विसेज आर वेरी प्रॉम्प्ट एंड जो वेटर उनका बिहेवियर एंड सर्विस वाज रियली नाइस, बहुत फ्रेंडली था। तो आए हम लोग आज आम्ब्री रेस्टोरेंट करके, ये बहुत ही फेमस, इनका सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। और मैंने सुना है कि इसका व्यू इज़ स्टनिंग, वो ताज पैलेस का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। आई एम मोर एक्साइटेड फॉर द व्यू रादर देन फूड। हाँ, क्योंकि फूड का हमने पैलेस जैसे दिख रहा है ये पूरा। वाओ, ये क्या है, ये सब छोटा छोटा चेयर्स ऐसे चाय पीने के लिए। अगर भीड़ हो गया तो इधर ही बैठना पड़ेगा। ओह वाओ, लग रहा है ना रुजा कोई पैलेस में आ गए करके। हाँ रे, ये सही में पहले पैलेस था शायद। ये पैलेस ही है उसको, उनका रेस्टोरेंट होटल भी उधर साइड में है। दिस इज रेस्टोरेंट। ये पैलेस ही होगा यार, इसको कन्वर्ट किया है। दिस इज द रेस्टोरेंट। वाओ, तो अभी खाने का ऑर्डर देके रुजा और मैं थोड़ा चिल कर रहे हैं। स्टनिंग व्यू है क्या रुजा? सबसे अच्छा व्यू मुझे तो यही लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो हाइप्ड, सो हाइप्ड, सो कॉस्टली। कॉस्टली तो मतलब बॉम्ब है यार। होप उनका खाना भी उतना ही अच्छा हो। तो हमने क्या किया, अभी दो तीन चीज़ें ऑर्डर दिया है। चिली चिकन एज पर रोजर्स रिक्वेस्ट, मुझे इतना ये सब जगह पे बस ट्रेडिशनल खाना ही मुझे पसंद है, तो रोजा ने चिली चिकन मंगा दिया। फिर धुंगर मास, मुझे वो पसंद आ गया है उदयपुर में आके। धुंगर मास क्या तो बना, स्मोकी फ्लेवर मस्त लग रहा है सही में। तो धुंगर मास प्लस थोड़ा क्या तीखी मिर्ची की, प्याज मिर्ची की रोटी, हाँ वो कुछ तो नया है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। ये व्यू देख के खाने का तो मजा ही, इज 9 खाना इज 1। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंस लेवल उतना ही है। सिटी पैलेस, ताज पैलेस, ऊपर करनी माता,
और इधर ये ट्रैक है गंगोर घाट। हाँ गंगोर घाट वो है। हाँ गंगोर घाट। तो अगर आप ये होटल में भी रहना चाहते हैं तो आप ये होटल में भी रह सकते हैं। होटल का भी व्यू इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उनका जेटी भी है यहाँ पे। सो व्यू के लिए तो हम लोग डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। हाँ व्यू के लिए तो आई विल से कि लंच के लिए आ जाइए। डिनर का भी उतना ही अच्छा व्यू रहेगा बट क्योंकि सिटी पैलेस में लाइटिंग हो जाता है तो डिनर का भी मस्त व्यू रहेगा। और खाने का रेटिंग खा के बताते हैं। खाओ चिली चिकन बताओ कैसा है। नॉर्मल गुड। ओके ओके इसलिए मैंने बोला चिली चिकन से आई विल नॉट जज दिस प्लेस। अच्छा है। केबेज होता है स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। ये वाला सबसे अच्छा लगा मुझे। ये सर प्याज में छोटी बटना नहीं छोटी। ओके ठीक है थैंक यू थैंक यू। हाँ सो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सेम स्मोकी फ्लेवर। स्मोकी फ्लेवर लग रहा है। मटन इज सॉफ्ट। इफ यू कंपेयर ऑल द मटन टिल नाउ बेस्ट कौन सा है। कोमागोने। एक सेकंड पॉज तो ले लेते सोच तो लेते सोचने के नहीं खाया। दिस इज आल्सो रियली गुड और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था बट ये भी अच्छा है। तो रोजा तुमको कैसा लगा खाना। सो धुंगर मांस वाज स्मोकी स्पाइसी सॉफ्ट। इट वाज रियली नाइस। और ग्रेवी भी अच्छा था। जो एक्सपेक्ट किया था वही था। इट बिट ओवर प्राइस्ड बट प्याज ऑनियन का रोटी अच्छा लगा ना। रोटी नान एवरीथिंग वाज गुड नथिंग टू कंप्लेन। और ज़्यादा बेहतर हो सकता था फॉर द प्राइस पॉइंट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है बट ओवरऑल लाइक वी सेड वो 1% 10% ही है वो खाने का टेस्ट एंड ऑल। बाकी 90% तो यही है। सो गाइज जितने भी हमने रिसर्च किया सारे जो लेक व्यू के रेस्टोरेंट्स हैं सबका व्यू एक से बढ़ के एक है। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस और आपको जा नहीं पा रहे बट इफ़ यू गो टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस दे हैव स्टनिंग व्यू। दिन में चले जाइए रात में चले जाइए हर टाइम पर आपको अच्छा ही लगेगा। इफ़ यू आस्क अस अबाउट द रिकमेंडेशन तो हम लोगों का विनर तो खमागणी है। बहुत अमेजिंग फूड था। Food plus view. Vibe and ambience. Ambience yes. is the most important factor. Correct. And if you ask about view, किसका सबसे अच्छा है? Ambrai का the best view है. खाने में खमागणी. So guys, thank you for watching this video. होप आप अपने उदयपुर ट्रिप में नेक्स्ट ये सारे रेस्टोरेंट में ट्राई करेंगे और कैसा लगा आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।